हेलो जी, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मनवीर गुजर क्या मिस करता है बिग बॉस के घर के बाहर। बिग बॉस की वो आवाज़ जिसमें एक दम था जो अच्छे अच्छे सौदों को उठा दे। बिग बॉस की वो आवाज़ जो किसी का कुछ मन नहीं कर रहा करने का वो भी करा दे। उस आवाज़ को बहुत मिस करता हूँ। उस घर के टास्क, उस घर के नियम, उस घर के रूल रेगुलेशन, लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ घर के बारे में। आप में बिग बॉस ने क्या चेंज किया है, कोई बिहेवियर या कुछ? ओके, बहुत कुछ चेंज आया है। एज ए मनवीर गुजर पहले देखता हूँ बिग बॉस से पहले और अब का देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा एकदम सेल्फ कंट्रोल वाला बंदा, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, थोड़ा सा काम शांत, जो कि पहले नहीं था। चीज़ें इस तरीके से हुई हैं कि सारी कुछ बदल के रख दिया है। अभी कोई कुछ बोल भी रहा है तो इग्नोर करने का मन करता है, अभी कोई रोक भी रहा है तो आगे बढ़ने का मन करता है। बहुत कुछ सिखाया है, एक ज़िंदगी को बदल के रख दिया है, थैंक्स टू बिग बॉस। और आप जो आपके जो घर के लोग, बिग बॉस के घर के लोग, आप अभी बाहर आने के बाद उनसे टच में हैं? मिलना मिलना जुलना स्टिल अभी तक आप फैमिली है या? अच्छा ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। बिग बॉस के घर में जो भी 14-15 लोग थे, सब अलग अलग जगह से थे, सब अलग अलग स्टेट कह लो, सिटी कह लो, कुछ भी कह लो, तो उस घर ने सबको एक तरह से एक एक जुट कर दिया था। मतलब एक एक पूरी टीम, एक पूरी परिवार बना दिया। लेकिन हम बाहर आके सब अपनी अपनी लाइफ में बहुत कहीं कुछ बिजी हो चुके हैं, तो जितना जिससे टाइम मिल रहा है मिलने का उतना मिलना हो रहा है। अगर मुंबई जाता हूँ तो वहाँ कोई मिल जाता है तो मिल लेता हूँ, दिल्ली में कोई मिल रहा है तो मिल लेता हूँ। तो देखते हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे मिलेंगे लोग तो मिलता चला जाऊँगा। सब बहुत अच्छे थे, सब ने अपना बहुत बेस्ट दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है किसी से भी। लव यू ऑल। आपकी लाइफस्टाइल बिग बॉस से पहले और बिग बॉस के बाद क्या डिफरेंस हुई है? अच्छा, लाइफस्टाइल बताता हूँ। मैं पहले भी वैसा ही बंदा था, देसी टाइप। अभी भी मुझे लगता है कि मैं देसी टाइप हूँ, लेकिन एक एक जो कॉन्फिडेंस आ गया है लोगों से बात करने का, लोगों से इंटरेक्शन करने का, लोगों से मिलने जुलने का। पहले भी वैसा ही कुछ पहनता था, अब भी वैसा कुछ पहनता हूँ, लेकिन एक अब बॉडी लैंग्वेज कह लो या एक कॉन्फिडेंस कह लो या बात करने का तरीका कह लो, लोगों को एंटरटेन करने का तरीका कह लो, बहुत कुछ डिफरेंस महसूस कर रहा हूँ अब के मनवीर गुजर में और पहले मनवीर गुजर में। लगता है कि सच्ची में अब लोग बोलने लग गए हैं सेलेब सेलेब सेलेब, तो अंदर से नहीं लेकिन बाहर से सेलेब जैसा फील कर ही रहा हूँ कहीं ना कहीं। अभी बिग बॉस 11 आने वाला है और ऐसी है, मतलब बोला गया है कि वो भी कॉमनर्स का होने वाला है, तो आप ऑडियंस को क्या बोलने वाले हो? मतलब अगर उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं शो के बारे में? अच्छा, अभी बिग बॉस 11 आने वाला है, उसकी जो भी उन्होंने अनाउंस किया है कि कॉमनर्स होंगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने आप को एक तरह से बहुत लकी समझूंगा कि हम लोगों की वजह से कॉमनर्स के लिए रास्ते खुल गए हैं। हमने जो अपने आप को रिप्रेजेंट करना था वो किया, एक कॉमनर इस पूरे शो को जीता है, तो शो बहुत फेयर है, कहीं भी स्क्रिप्टेड नहीं है। आप जैसे हो वैसे रहोगे अंदर, हालात आपको चेंज करेंगे, कुछ सिचुएशन आपको सोचने पे, रोने पे, हंसने पे मजबूर करेंगी, तो भाई अपना पूरा बेस्ट दो जो भी जा रहा है और पूरा ट्राई करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को, आपके पूरे व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करके रख देगा शो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर से एंड मॉल कलर्स और बिग बॉस ये सोच रहे हैं कि कॉमनर्स को दिया जाए मौका, थैंक्स टू दिस गाइज़।